ज्यादातर सिंगापुर में कोई जानवर सड़कों पे तो जानवर दिखता नहीं, कुत्ते दिखते हैं, वो दिखते हैं जो प्राइवेट कुत्ते होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बकरी देखने आ जाते हैं। भाई ये जो पीछे शो चल रहा है पीछे भाई, रात को 8 बजे 9 बजे मरीना बे सैंड पे डेली होता है। चारा लेके आते हैं स्पेशली, $5 का ये पैकेट है देख लो, छोटे छोटे बच्चों को भाई लेके आते हैं चारा खिलाने के लिए। भाई आज है शुक्रवार और भाई पेल के बारिश हो रही है, साइकिल मैंने अपनी भाई यहीं खड़ी कर दी थी, क्या है कि इतना टाइम तो मिलता नहीं साइकिल अगर सफाई करने का, तो बारिश आती है तो बारिश में खड़ी कर देते हैं, अपने आप ही साइकिल धुल जाती है। राम भाई सारा ने भाई स्वागत है भाई एक और नए एपिसोड में। तो भाई आज की वीडियो में मैं घर से निकल गया हूँ, ऑफिस से निकला था, और यार ये देखो बारिश देखो यार भाई कितनी बारिश हो रही है यार, ये लगा लो भाई पूरे हफ्ते बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात मतलब बारिश भी जब वीकेंड आता है ना तभी बारिश होनी होती है, मतलब आज फ्राइडे इवनिंग है, अब जा रहा हूँ मैं दोस्तों से मिलने, थोड़ा नाइट में रात में घूमेंगे, नाइट लाइफ थोड़ी दिखाऊंगा मैं आपको, क्लार्की बोट की भी थोड़ी बहुत दिखाऊंगा, मरीना बे सैंड भी दिखाऊंगा, और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको एक ऐसे आज रेस्टोरेंट पर लेके जाऊंगा, मतलब उस रेस्टोरेंट की एक अलग ही खासियत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बारिश की बात ऐसी है कि भाई प्रॉब्लम ना बारिश की नहीं है, प्रॉब्लम हम इंसानों की है। तो होता क्या है कि भाई जब हम ऑफिस में बैठे रहते हैं और जब बारिश होती रहती है तो ऐसा लगता है अरे यार इस टाइम शायद अगर हम घर पे होते तो कितना मज़ा आ रहा होता, नहीं, और जब हम साला वीकेंड आ जाता है जब घर पे होते हैं और जब बारिश होती है ना तो ऐसा लगता है सुसरी बारिश भी आज ही होनी है यार। तो प्रॉब्लम हमारे थॉट प्रोसेस की है, क्योंकि साला ऑफिस में जब हम रहते हैं तो साला दिमाग में इतना प्रेशर रहता है ना कि बाहर बारिश बढ़िया लगती है, और जब वही बारिश वीकेंड पे होए ना तब ऐसा लगे अरे तेरी। मेरे पीछे जो आप पियानो देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई मेट्रो स्टेशन पे ना ऐसे पियानो से रखे रहते हैं, तो जो लोगों को वेट करना है वो अपना बैठ जाए और बजा लें, ताकि ये ताऊ तो खैर बढ़िया बजा रहा है। खतरनाक चीज दिखाता हूँ, ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे ना एक कियोस्क बना रखा है भाई, फ्री में अपना हेल्थ चेक कर सकते हो, ये ब्लड प्रेशर वगैरह नाप सकते हो आप, अपना ये हाइट वगैरह वेट वगैरह सब चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये लक्ष्मी रेस्टोरेंट भाई बूफे सिस्टम है रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई अलग अलग तरीके का खाना है, बहुत सारी सब्जियाँ अलग अलग डेली डेली का अलग अलग रहता है, तो ये सिस्टम है। और ये भाई रेस्टोरेंट है एक नंबर का ज़बरदस्त। मेरे पीछे आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हो भाई, सबसे बढ़िया चीज़ इस रेस्टोरेंट की ये है कि जो भी मैंने आपको खाना दिखाया भाई बूफे सिस्टम है, अपना कितना भी लो कितनी बार भी लो और कितना भी खाओ, और उसके बाद खाना खाने के बाद ये है कि भाई आपको जितना मन करे ना उतना पे कर दो, चाहे पे भी मत करो, पे ना करना खैर अच्छा नहीं लगता, बट ये है कि आपका जितना भी मन करता है आप उतना भी पे कर सकते हो। काउंटर पे आपसे पूछा जाता है बकायदा कि सर आप कितने पैसे देंगे, आप तब बता दें कि भाई हम इतने पैसे देंगे, अभी हम 4 लोग आए थे तो हमने अपनी मनमर्जी से पैसा दिया है यहाँ पे। भाई वीकेंड स्टार्ट हो गया है, भाई ये शो चल रहा है रात में सिंगापुर में मरीना बे सैंड पे। तो कैसा लगा आप लोगों को शो? बहुत अच्छा था, बढ़िया मजा है, लास्ट में बड़ा मजा आता नहीं। तो भाई ये हमारे साथ के 3 दोस्त जो आए भाई इंडिया से मिलने, स्पेशली बिजनेस के वीजा पे आए हैं। राम सारे भैया ने, तो यार कल रात का जो हमारा प्लान था वो चेंज हो गया, मैं अपने दोस्तों के साथ में, मैं हूँ और ये एक सुजीत है और दो लड़के और हैं तो उनके साथ में हम आए हैं भाई यहाँ पे सिंगापुर में बकरी का फार्म देखने। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको गोट फार्म दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे कैसे भाई बकरियों को रखा जाता है, कैसे उनका मैनेजमेंट होता है, कैसे दूध वगैरह निकालते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई आज की वीडियो में। ये भाई पूरा ये गोट फार्म, ये पूरा इन्होंने बकरी वकरी पालन के लिए बना रखा है, और यहाँ से एंट्री बैन है पर फिर भी मैं एक बार घुस जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ये सिस्टम है गोट फार्म का, इन्होंने कितने लेवल का गोट फार्म बना रखा है, नीचे शायद कुछ नहीं है, 1, 2, 3 तीन मंजिल का गोट फार्म है, और उस साइड भी दूसरा एक और अलग से गोट फार्म है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये जो मशीन है भाई है बकरी के दूध निकालने की मशीन, यहाँ पे बकरियों को रखा जाता है। ये बकरी है यहाँ की, थोड़ी सी अलग स्टाइल की लग रही है क्या बकरी? थोड़ा सा अलग प्रजाति लग रही है बकरी की। गाइस यहाँ से आप ना घास खिला सकते हैं बकरियों को भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब घास खिला रहे हैं बकरियों को। यहाँ भी कुछ कुछ बकरियां हैं, ये इन्होंने ना घास खरीदी है और घास थोड़ी सी घास खरीद के
थोड़ा थोड़ा बकरियों को खिलाया जा रहा है। तो ये भाई देखो हमारे इमरान साहब खिला रहे हैं बकरियों को खाना। ये बकरा है और ये बकरी है, इनका ना सींग नहीं है इन बकरियों का। तो भाई सींग वाली बकरी भी आ गई यहाँ पे, सींग वाली बकरी है। हेलो सुजीत, यू टेल मी यू हैव ऑल गोट इन इंडिया एट योर हाउस और नॉट? डोंट हैव। सो योर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर आल्सो दे नेवर हैड? आई थिंक दे हैव मेबी वन ऑर टू। या ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दिस, जस्ट फॉर हाउसहोल्ड पर्पस ओनली। तो भाई ये गोट है, अलग तरीके की गोट है, इनके सींग नहीं है। भाई इन्होंने हर लेवल पे ना अलग अलग हर लेवल पे अलग अलग तरीके की गोट रखी हुई है। यहाँ पे जो डिस्प्ले में पूरा जहाँ पे अभी हम घूम रहे थे, इस डिस्प्ले पे इन्होंने सारे बच्चे रखे हुए हैं कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए। जो दूध देने वाली गाय है वो परली साइड है, और दूध देने के लिए वहाँ पे जो एक सेक्शन है वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है, और वहाँ पे इनकी ऑटोमेटिक मिल्किंग करी जाती है। गोट फार्म में यहाँ से जाने का रास्ता था, और यहाँ पे भाई बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था करी गई है, ताकि अगर लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं बकरियों को देखने के लिए, तो यहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है। यहाँ से अभी हमने एंट्रेंस करा था, और इस गोट फार्म का नाम है भाई हे डायरीज। तो सिंगापुर में भाई अगर आपको गोट फार्म देखना है, तो आप भाई यहाँ पे आ सकते हो। ये करांजी मेट्रो स्टेशन से आप आके बस ले सकते हैं, वरना करांजी मेट्रो स्टेशन पे आके आप ले सकते हैं टैक्सी। टैक्सी से आप फटाफट आ जाओगे, बस से आप ऐसे गोल गोल घूमते रह जाओगे। मेन एंट्रेंस में आने के बाद में आपको ऐसा सिस्टम दिखेगा, यहाँ पे इनका रिटेल ऑफिस बना रखा है, हे डायरीज रिटेल शॉप। यहाँ से आप भाई चारा वगैरह खरीद सकते हो बकरी को देने के लिए। तो भाई यहाँ पे लोग चारा खरीद रहे हैं, चारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चारा है भाई $5 का एक पैकेट है, यानी ₹300 की इतनी सी घास मिल रही है भाई। ये चॉकलेट गोट मिल्क, ये देख लो, ये चॉकलेट गोट मिल्क $6.50 का एक है भाई, यानी ऑलमोस्ट ₹400 का इतना सा पैकेट है दूध का। ये जो गोट फार्म है भाई, यहाँ पे मैंने अभी इनके ऑफिस में जाके पता करा, 800 इनके पास बकरियाँ हैं। ये जो फार्म है इसमें 800 बकरियाँ ये लोग रख रहे हैं, और ये सारी बकरियों की ज़्यादातर प्रजाति जो है वो है भाई यूनाइटेड स्टेट्स से सारी बकरियाँ मंगाई गई हैं। और इनका जो चारा और इनका जो खाना आता है ना भाई, वो भी USA से आता है, इसीलिए इनका दूध देखो, देखा था ना इतना सा चॉकलेट मिल्क भाई $6.50 का मिल रहा है यार, इसलिए बहुत महंगा है। और बाकी यहाँ पे आपके दो तरीके के इनके ये दूध बनाते हैं, एक फ्रेश मिल्क बनाते हैं और ये चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क देते हैं। डब्बों में बंदी देते हैं, ऐसा नहीं कि बकरी के सामने आप निकालेंगे इंडिया की तरह और उसके बाद फिर आपको डोली में भर के दे देंगे, ऐसे नहीं देते, डब्बा पैक ही देंगे। तो ये सिस्टम है भाई, इसको ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। इसका जो मालिक है ना वो भाई 1920 में आया था कहीं से, और उसने यहाँ पे 16 या 20 एकड़ जमीन खरीदी। उसके बाद फिर उसने पिग फार्म करा, अलग अलग तरीके की फार्मिंग करी। उसके बाद सारी चीज़ें तो बंद हो गई उसकी, उसके बाद ये गोट फार्मिंग वाला धंधा इसका चल रहा है। तो भाई ये सिस्टम है, ये देखो भाई सब लोग चारा खिलाने में व्यस्त हैं बकरियों को। ये लगा लो यार, मतलब इतने दिन के बाद ऐसी खुशबू आई है बकरियों के फार्म में आके, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। ऐसी एक बकरी की और एक फार्म में जाते हैं भैंस की, अलग ही खुशबू रहती है ना। ये है वो इलाका जहाँ पे यार बकरियों का सुबह सुबह 9 बजे दूध निकाला जाता है। हम आज थोड़ा लेट हो गए, तो यहाँ पे बकरियों को लाके ना खड़ा कर दिया जाता है मेरे हिसाब से उस वाले स्टेशन पे, और ये पाइप उनके लगा के थनों में, तो वहाँ से इनकी मिल्किंग करी जाती है। और ये सारा दूध इन पाइपों के जरिए, ये जो लंबी लंबी रेलिंग दिख रही है स्टील की, इनमें से सारा दूध ना निकलता जाके इस चैम्बर में इकट्ठा होता है, और इस चैम्बर के थ्रू फिर ये इसमें जाके फिर ये यहाँ पे मोटर लग रही है, मोटर के थ्रू ये दूध सारा पहुँचा दिया जाता है मेन टैंकर में। ये सिस्टम है, ये लगा लो कि सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई, मैनुअल का तो काम कोई कुछ काम है नहीं। मैनुअल बस इतना सा काम है कि यहाँ पे बकरियों को लाके खड़ा कर देते हैं, और उसके अंदर पीछे वाले में उसको चारा डाल देते हैं, वो चारा खाती रहती है, दूध अपने आप निकल जाता है, दूध अपने आप निकल के मोटर के थ्रू मेन चैम्बर जो इनका जो मेन टैंकर है उसमें चला जाता है भाई। ये भाई यहाँ पे गोट वोट का यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों के लिए खिलौने कार्टून बना रखे हैं गोट के। जो इन्होंने भाई नहर बना रखी है, ये जो दो फार्म है, एक फार्म ये रहा और एक फार्म वो रहा, दो बिल्डिंगों के बीच में ना इन्होंने ऐसी नहर सी बना रखी है, ताकि बकरी वगैरह को नहाने की जरूरत पड़े तो बकरी वगैरह इसके अंदर नहा सकती है आराम से। बाकी का ये है कि यार यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सिंगापुर में कोई जानवर सड़कों पे तो जानवर दिखता नहीं, ठीक है ना, गाय दिखती, ना भैंस, कुत्ता उत्ता कुछ नहीं दिखता। कुत्ते दिखते हैं, वो दिखते हैं जो प्राइवेट कुत्ते होते हैं और जो लोग घरों में पालते हैं। तो यहाँ पे ना लोगों को जानवर दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बकरी देखने आ जाते हैं, कोई गाय देखने आ जाता है। एक पास में एक गाय का फार्म हो रहा है, उस फार्म में और लेके जाऊंगा मैं आपको किसी दिन, वहां भी देखना, गाय को चारा खिला रहे हैं, गाय के साथ सेल्फी ले रहे हैं, मतलब ऐसा हाल है भाई। भाई वुडलैंड वाटर फ्रंट नहीं, वेटलैंड रिजर्व में, और ये सामने जितना भी आप देख रहे हो ना भाई, ये पूरा मलेशिया है। ये है भाई पूरा जोहर बारू मलेशिया का पार्ट।
और हम लोग हैं अभी सिंगापुर में, तो सिंगापुर से मलेशिया इतना ही दूर पड़ता है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग सिटी में रह रहे के ना परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम ऐसे गांव से में आ जाते हैं, सामने समुद्र का नज़ारा लेते हैं, और मेरे पीछे देखोगे, मेरे पीछे भाई पूरा जंगल का इलाका है। मतलब यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है और बड़ा पीसफुल लगता है। अंदर देखोगे ना तो अंदर तो पूरा जंगल है, और सामने भाई पूरा ये देखो पूरा समुद्र का ये वॉकबोर्ड बना रखी है, ये पूरा घूमने फिरने के लिए लोगों ने। ये बिल्डिंग जितनी भी आप देख रहे हो भाई, ये सब मलेशिया की बिल्डिंग है, और ये सब सामने भाई मलेशिया जौहर बहरु। मौसम ठीक है, बादल वादल सही हो रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है क्योंकि हवा नहीं है, उमस हो रही है। तो गाइस ये नज़ारे हैं यहाँ पे सिलेटा रिजर्वायर के सामने। इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये भाई जौहर बहरु मलेशिया। तो भाई रिजर्वायर से आके ना हम लोग सीधा कमरे पे आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, कमरे पे आके बहसबाजी स्टार्ट हो गई। तो एक बंदे ने बोल दिया दूसरे को कि तेरी इंग्लिश ख़राब है, तेरी इंग्लिश सुधार दे। उसको दिल पे लग गई, कह रहा मेरी इंग्लिश ख़राब ना साले, तेरी भी इंग्लिश ख़राब है। और दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं दोनों। हद हो गई भाई। तो भाई लड़ाई वड़ाई उनकी मैंने कैसे न कैसे ख़त्म करवाई, दूसरा टॉपिक छेड़ा। उसके बाद पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर करा। पिज़्ज़ा वीज़ा खाने के बाद में फिर थोड़ी शांति सी, अब खाना वाना बनाएंगे नहीं क्योंकि पेट ऐसा भरा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भाई बाकी का ये पूल साइड का इलाका है भाई, देख लो शाम का समय ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं, अंधेरा हो गया है। सामने ये जो बिल्डिंग है ये दूसरी बिल्डिंग है, ये दूसरी सोसाइटी है, दो दूसरा बिल्डिंग बिल्डर है, और हमारी जो सोसाइटी है हमारी ये वाली सोसाइटी है, थोड़ी पुराना स्टाइल की बिल्डिंग है। ये सोसाइटी थोड़ी नई सोसाइटी है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्विमिंग पूल है। रात के 7:30 बज रहे हैं भाई, कोई नहीं तैर रहा है यहाँ पे, कोई भी तैर नहीं रहा। वहाँ पे कुछ 4-5 आदमी ज़रूर बैठे हैं, ये देखो ये बातें अपना बूढ़े से बैठे हैं, बात बात पिल रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे वो आगे कुछ लैंप लगा के बैठे हैं, और यहाँ भी कुछ कुछ लोग बैठे हैं। सोसाइटी के अंदर ये भाई बच्चों के खेलने का ये सिस्टम है, जहाँ पे मैंने आज तक कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं देखा। और बाकी का सोसाइटी के अंदर जिम है, जहाँ पे भी कुछ कुछ लोग तो जिम कर रहे हैं, मतलब ये कुछ कुछ लोग जिम करने में लगे पड़े हैं, पर ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो गाइज वीकेंड यूजुअली ऐसे बीत जाता है, जैसे कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे इवनिंग को मैं कल दोस्तों के साथ चला गया था, तो इधर उधर घूमने के लिए एक रेस्टोरेंट गए, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना लक्ष्मी भाई, बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बढ़िया खाना मिलेगा, और पैसा उसमें आया कि पैसा कितना भी दे दो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, $5-6 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, तुम्हारी इच्छा है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसा भी नहीं देते। उसके बाद फिर आज सुबह हम लोग चले गए थे गोट फॉर्म चले गए थे, तो सुबह मैंने अभी दिखाया पूरा बकरी दिखाई थी आपको। अब उसके बाद भाई अभी रात हो गई है, तो भाई अब सोने का, थोड़ी देर में सो जाएंगे। सैटरडे कल संडे यूजुअली मैं घर पे रहता हूँ, मतलब संडे को मैं बाहर जाता नहीं थोड़ा, क्योंकि फ्राइडे नाइट को घूम लिया, सैटरडे को घूम लिए, उसके बाद में फिर ऐसा होता है कि नहीं यार अब रेस्ट करेंगे संडे को। फ्लू सा हो रहा है, नाक में ना खुजली सी चल रही है भाई। ये जो सोसाइटी है इसको कॉन्डोमिनियम बोलते हैं, तो हर कॉन्डोमिनियम में क्या है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आप नो कोई बड़े आइटम आप यहाँ पे फेंकोगे नहीं, $1,000 का फाइन है। यूजुअली जो ऐसे HDB वगैरह होते हैं उनके अंदर मतलब लोग फेंक देते हैं लिफ्ट से नीचे आके, बड़े बेड वेड सोफे वे सब फेंक देते हैं, यहाँ पे बड़ा आइटम नहीं फेंक सकते, छोटा आइटम ही फेंक सकते हैं। तो मेरे भाई ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को भाई यहीं पे, आशा करते हैं भाई आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई मिलते हैं फिर दोबारा से ऐसी किसी वीडियो में, और भाई चैनल अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, चैनल पर मज़ा आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के चक्कर में, तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ख़त्म करते हैं भाई, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें। मेरे को फ्लू हो रहा है, उस मैं थोड़ी फ्लू की दवाई लूँगा, और उसके बाद अपना चद्दर ओढ़ के सो जाऊँगा। दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा रूम है ना, मेरे रूम में फैन नहीं है, मेरे रूम में AC है, तो एक ये भी एक बड़ी दिक्कत है, उससे फ्यूज ज़्यादा रहता है क्योंकि AC है। बाकी का चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।